पर्यावरण पोस्ट पर आप सभी का स्वागत है। विकास की दौड़ में जंगलों की कटाई अब आम बात हो चुकी है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन मियावाकी ऐसी पद्धति है जिससे नए जंगल कम समय में तैयार किए जा रहे हैं। आखिर क्या है मियावाकी पद्धति, आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अगर जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचना है तो पृथ्वीवासियों को कम से कम 1,00,000 करोड़ यानी कि 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने होंगे। इसे सफल बनाने में बेहद कारगर मानी जा रही है जापान से निकली जंगल उगाने की मियावाकी पद्धति। मियावाकी पद्धति जापानी वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने तैयार की। कम समय में बेहतर प्राकृतिक वन इस तकनीक से उगाए जा सकते हैं। इस विधि से देशी प्रजाति के पौधे एक दूसरे के पास लगाए जाते हैं, जो कम जगह घेरने के साथ दूसरे पौधों की वृद्धि में सहायक भी होते हैं। पौधे नज़दीक होने से सूर्य की रोशनी को धरती पर पहुंचने में रुकावट होती है, जिससे जमीन पर उस जगह पर खरपतवार नहीं उग पाते। खास बात यह है कि 3 साल के बाद इन पौधों की देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि सामान्य पद्धति से पौधे लगाने पर 5 साल तक उनकी देखभाल करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, मियावाकी पद्धति से लगाए गए पौधों की वृद्धि 10 गुना तेजी से होती है और सामान्य पद्धति से 30 गुना ज़्यादा सघन होते हैं। इसके माध्यम से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में बदलना जा सकता है। वैसे जंगलों को पारंपरिक विधि से उगने में 200 से 300 साल लग जाते हैं, लेकिन इस पद्धति से सिर्फ 20 से 30 साल में ही जंगल उगाए जा सकते हैं। इस पद्धति से पौधे लगाने के लिए खास पेड़ों की पहचान की जाती है और फिर झाड़ी छोटे बड़े पेड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। इस तकनीक की मदद से 2 फीट चौड़ी और 30 फीट पट्टी में 100 से भी अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। बहुत कम खर्च में पौधों को 10 गुना तेजी से उगाने के साथ 30 गुना ज़्यादा घना बनाया जा सकता है। पौधों को पास पास लगाने से इन पर खराब मौसम का असर भी नहीं पड़ता और गर्मी में नमी की कमी भी नहीं होती, जिसकी वजह से ये हरे भरे रहते हैं। पौधों की बढ़त दोगुनी तेजी से होती है और 3 साल के बाद इनकी देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कम जगह में लगे घने पौधे ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल वन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि घरों के आसपास भी किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग भारत में भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में इस तकनीक का इस्तेमाल अभी छोटे पैमाने पर हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सरकार द्वारा इस तकनीक से जंगल उगाने का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।